जय हिंद। एनसीसी में भर्ती होने के बाद बहुत बच्चों में ये एक कॉमन क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ भाई, अब हम एनसीसी में भर्ती हो गए हैं तो अब जो एनसीसी की यूनिफॉर्म है वो हमें स्कूल से मिलेगी या कॉलेज से मिलेगी, हमें सिलवानी पड़ेगी या हमें खरीदनी पड़ेगी। इसी सब क्वेश्चंस पे आज मैं आपको आंसर दूंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए एंड तक मेरे इस वीडियो के साथ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो एनसीसी यूनिफॉर्म होती है वो हमें खरीदनी पड़ती है, तो इसका आंसर है हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो एनसीसी यूनिफॉर्म है वो हमें स्कूल या कॉलेज से मिलती है, तो इसका जवाब है नहीं, नहीं मिलती। इन दोनों क्वेश्चन के कारण जो आंसर है उसके कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ से मिलती है, तो जो एरिया आप जहाँ रहते हो या फिर आपकी यूनिट या बटालियन का जो आसपास का एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आर्मी स्टोर होगा। आर्मी स्टोर मतलब कि जहाँ जो वो दुकान जहाँ पे डिफेंस का सारा सामान मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एनसीसी का पूरा यूनिफॉर्म मिल जाएगा। यूनिफॉर्म के साथ साथ मेरा कहना है यूनिफॉर्म किट कह लेते हैं, जिसमें आपका बैरेट से लेके बूट तक सारा सामान आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन आई कि आपको वो आर्मी स्टोर नहीं मिल रहा अपने एरिया में, तो आप क्या करोगे? तो या तो अपने सीनियर से या एएनओ से या अपने उस्ताद से पूछोगे कि सर कहाँ से हमें ये एनसीसी की यूनिफॉर्म मिल सकती है उस एरिया में, तो वो आपको बता देंगे जगह, ठीक है। तो अभी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कॉस्ट फैक्टर, यानी कि जो आपका शर्ट पैंट यानी यूनिफॉर्म किट है, जिसे मैंने कहा कि बैरेट से लेके बूट तक सारा सामान इसमें इंक्लूड होगा, तो ये किट का पूरा रुपीज़ कितना होता है? तो इस पूरे किट का पूरा रुपीस आपको 1500 से 1800 के बीच में पड़ेगा। और अगर आप शर्ट और पैंट की अगर बात करो, सिर्फ और सिर्फ शर्ट और पैंट, तो उसका 1000 रुपीस पड़ेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म की बात आई गई है तो सेरेमोनियल्स की भी बात आती है, तो मेरा मानो तो अभी सेरेमोनियल्स मत लो, इसका भी मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि जो सेरेमोनियल्स होते हैं वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में पहने जाते हैं, जैसे कि परेड में हो गया, जैसे 15 अगस्त की परेड ले लो, 26 जनवरी की परेड ले लो, गार्ड ऑफ ऑनर, ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं स्पेशल इवेंट्स जिन पे सेरेमोनियल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी सेरेमोनियल्स मत लीजिए, जब क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, तो अभी सिर्फ यूनिफॉर्म लीजिए। और जो सेरेमोनियल्स कब कब कौन कौन से ओकेजन्स पे पहनते हैं, कौन से स्पेशल इवेंट्स होते हैं जहाँ सेरेमोनियल्स की ज़रूरत होती है, इस पर पूरा डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। सब्सक्राइब करिए एनसीसी ओरिजिनल्स को और प्रेस कर दीजिए बेल नोटिफिकेशंस को, ओके। तो अब मैं बताता हूँ आपको पूरी ब्रीफ समरी, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चों बंदों का, हमें एनसीसी यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिलती स्कूल या कॉलेज से? तो इसका जवाब, इसका कारण ये है कि फर्स्ट ईयर में हम भर्ती होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम भर्ती हो गए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैडेट्स जो भर्ती हो जाते हैं वो, उनका कोई गारंटी नहीं होता कि वो एनसीसी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि जोश जोश में वो एनसीसी में भर्ती हो जाते हैं, और फिर रगड़ा मिलने के बाद या ट्रेनिंग के बाद उन्हें थोड़ा हार्ड लगने लगता है, लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो वो छोड़ देते हैं। अब बताओ, ऐसों को अगर यूनिफॉर्म दे दी जाएगी तो गवर्नमेंट का फालतू का खर्चा बढ़ेगा, इसलिए फर्स्ट ईयर में ना आपका एनरोलमेंट नंबर आता है और ना ही आपको यूनिफॉर्म दी जाती है, तो इसलिए आपको यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है। मेरी मानो तो पर्सनल ट्रिक बता रहा हूँ कि दो यूनिफॉर्म सिलवाओ, खरीदो मत, सिलवाने में ज़्यादा फायदा है। जो आसपास की टेलर की दुकान होगी वहाँ पे जाके खाकी कपड़ा ले लो। खाकी कपड़ा कौन सा होगा? जो पुलिस वालों का कपड़ा होता है खाकी, उससे थोड़ा सा बहुत हल्का सा डार्क होगा, वो होगा एनसीसी का खाकी कपड़ा, ठीक है, यूनिफॉर्म में जो लगता है। तो वो कपड़ा आप खरीद लो और फिर टेलर को अपना नाप देकर सिलवा लो, दो यूनिफॉर्म सिलवाओ। एक यूनिफॉर्म का आपको 800 के आसपास पड़ेगा, ठीक है, और जो बाकी का सामान लोगे आप तो पूरा टोटल कास्ट आपका 1200 के आसपास पड़ेगा। अब देख लो, पहले आपका 1500 से 1800 के बारे में कॉस्ट लग रहा था जब आप यूनिफॉर्म खरीद रहे थे, अभी सिलवा रहे हो तो एक यूनिफॉर्म का आपका 800 से 1200 रुपया लग रहा है, ठीक है, तो देख लो फायदा आप ही है। और इसमें एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि दो यूनिफॉर्म सिलवाओ, पहली यूनिफॉर्म जो आप ट्रेनिंग के टाइम पे पहनोगे, दूसरी यूनिफॉर्म छूना भी मत, वो सिर्फ स्पेशल इवेंट्स और ओकेजन्स के लिए बचा के रखो। क्योंकि जब ट्रेनिंग करोगे आप तो आपके कपड़े फटेंगे, आप सिलाई करोगे, बटन वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर डल हो जाएगी वो दूध होगी। तो वही अगर आप स्पेशल इवेंट्स में पहनोगे, 26 जनवरी की परेड, 15 अगस्त की परेड, ये सबसे स्पेशल इवेंट्स होते हैं, इसलिए बार बार मैं इनका नाम दे रहा हूँ, ठीक है, अगर इन पर अगर आप डल यूनिफॉर्म पहनोगे तो कैसा लगेगा, इसलिए दूसरी यूनिफॉर्म संभाल के रखो, ठीक है। अब आप सेकंड ईयर में आ जाते हो तो 0.1% प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई एनसीसी छोड़ेगा,
ठीक है, इसलिए सेकंड ईयर में आपका एनरोलमेंट नंबर आता है और जो कॉस्ट आपकी यूनिफॉर्म की लगी होती है फर्स्ट ईयर में, आपने जो अपने रुपये से खरीदी होती है वो गवर्नमेंट यानी NCC डायरेक्टरेट, वो रुपीज़ आपको सेकंड ईयर में आपके अकाउंट में सही सलामत मिल जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी आपका सेकंड ईयर में ही आता है, क्योंकि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत रेयर केस में होता है कि कुछ छोड़ेगा NCC, जिनको छोड़ना होता है वो फर्स्ट ईयर में छोड़ चुके होते हैं, सेकंड ईयर में बहुत कम 0.1% प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ छोड़ेगा, ठीक है, इसलिए सेकंड ईयर में आपका पक्का हो जाता है। चलो अब मैं बता देता हूँ कि जो यूनिफॉर्म किट में कह रहा हूँ उसमें आपका क्या क्या आइटम्स इन्वॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं बैरेट से, ठीक है, पहले बैरेट आ जाएगी। अब बैरेट दो टाइप की होती है, एक पेपर बैरेट होती है, एक कपड़े वाली। तो मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि कपड़े वाली बैरेट लेना, पेपर वाली मत लेना, ठीक है। फिर हैकल, हैकल को कैंची नहीं लगती कभी भी, कैप बैच, ठीक है। फिर उससे नीचे आते हैं लैनयार्ड, पतला वाला जो होता है वो JD और JW के लिए होता है, मोटा वाला होता है वो SD और SW के लिए होता है। फिर नेम प्लेट, नेम प्लेट हमें बनवानी पड़ती है, 20 रुपये की बन जाती है, उसमें ऊपर हिंदी में नाम आता है हमारा, नीचे इंग्लिश में, और कहीं कहीं पर रेजिमेंटल नंबर आता है आपका, वही एनरोलमेंट नंबर और रेजिमेंटल नंबर सब एक ही है, ठीक है। तो वो रेजिमेंटल नंबर आपको लिखवाना होता है कभी कभी, अगर आपका उस वक्त नंबर मिल जाता है तो, बहुत रेयर केस में मिलता है वैसे। तो बेसिकली क्या होता है, हिंदी में ऊपर नाम लिखवाना होता है, नीचे इंग्लिश में, तो 20 रुपये की नेम प्लेट बन जाती है। फिर NCC साइड बैच आ जाते हैं, वो 10 रुपये के आ जाते हैं मुश्किल से, ठीक है। फिर शर्ट हो गया, पैंट हो गया, बेल्ट, वेब बेल्ट मैं प्रीफर करूँगा और वही लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेज है। वेब बेल्ट कैडेट्स को अप्लाई होता है, और जो दूसरी बेल्ट होती है जो एकदम सीधी वाली होती है, वो जब को आप कुछ अचीवमेंट्स कर लेते हो तब आपको वो अप्लाई होती है वो बेल्ट। तो अभी आप कैडेट हो तो आपको वेब बेल्ट लेनी चाहिए और वही अप्लाई होती है। फिर आ जाते हैं DM बूट्स, DM बूट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जब आप DM बूट्स लेने जाओगे तो आपको जो दुकानदार है वो आपको रबर सोल दिखाएगा। रबर सोल आप पहचान कैसे करोगे, जो उसका नीचे का सरफेस होता है उसको दबा के देखना, वो पिचकेगा, मतलब वो रबर सोल है, ठीक है। तो रबर सोल गलती से ही मत लेना, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज मैं आपको आउटफिट ऑफ अ कैडेट में मैं बता चुका हूँ। फिर भी एक और बार बता देता हूँ कि जो जब आप परेड करोगे और पैर जमीन पर मारोगे तो जो पूरा प्रेशर है वो आपको पूरे ऊपर तक आएगा, उसमें घुटने डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इसलिए हार्ड सोल ही लेना, सबसे पहले वो आपको रबर सोल ही दिखाएगा ज़्यादातर, यही होता है हर जगह, तो हार्ड सोल प्रेफर करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं सॉक्स की बात, तो सॉक्स में आप ब्लैक कलर के थिक सॉक्स लेना, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, उससे आपके पैर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। अगर आप पतले सॉक्स लोगे और ड्रिल करोगे तो पत्थर वत्थर चुभने के चांसेस रहते हैं, और मोटा सॉक्स रहेगा तो आपको आपके पैर सेफ रहेंगे। इसलिए सेरेमोनियल्स मत लेना, क्योंकि वो तभी लेना जब आपको स्पेशल इवेंट्स में पहनने की ज़रूरत पड़े, पहले से ही मत लेके रखना, फालतू का एक्सपेंस होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे बिना किसी देरी के। अपना कीमती वक्त देकर मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।